मेरठ में धारा 144 लागू होने के बाद भी बीजेपी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम को रोका नहीं जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए आज सपा, कांग्रेस और रालोद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कमिश्नरी पार्क पर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जहां सपा अध्यक्ष राजपाल सिंह ने प्रशासन को बीजेपी पार्टी के इशारे पर चलने का आरोप लगाते हुए उन्हें कहा है कि जब से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से विपक्ष पार्टी पर धारा 144 लगाकर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। हाल ही में प्रशासन ने सपा पार्टी के अखिलेश यादव और रालोद पार्टी के जयंत सिंह को धारा 144 लागू होने का हवाला देकर उन्हें रैली न निकालने की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन बीजेपी सरकार के कोई भी कार्यक्रम में धारा 144 लागू नहीं हुई। वहीं सत्ता में रहकर सीएम योगी विपक्ष पार्टी के नेताओं को जेल भेज रहे हैं, झूठे मुकदमे करा रहे हैं, किसानों को गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। वहीं आज बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर कहा कि गंगा साफ के नाम पर करोड़ों रुपए खा गई और आप गंगा यात्रा कर रहे हैं और यहां किसान भूखा मर रहा है। बीजेपी सरकार मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। मेरठ से दाबार टाइम्स के लिए सोनू की रिपोर्ट। आज ये संयुक्त विपक्षी पार्टियों का धरना धारा 144 के विरोध में है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और देश में आई है, विपक्षी पार्टियों का धारा 144 लगाकर दमन किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, उसके विरोध में ये धरना आज जारी है और ये 2 बजे तक जारी रहेगा। और जितनी भी परमिशन विपक्ष ने ली थी अपनी रैली कराने की, वो कैंसिल कर दी है, जैसे कि बिजनौर में कैंसिल कर दी थी माननीय अखिलेश जी की और जैन जी की। और विपक्षी पार्टियों का दमन देश की आज़ादी के बाद आज तक इतना कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। और ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जानबूझ के विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल भेज रहा है, मुकदमे कायम कर रहा है, हत्याएं करा रहा है, उसके सबके विरोध में किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है, दुनिया भर का इन्होंने तराई तराई मच गई पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके विरोध में आज ये धरना। अब गंगा यात्रा, गंगा के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खागी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गंगा की यात्रा कर रहे हैं, किसानों को क्या मिल रहा है, किसानों को क्या दे रहे हैं, ये किसानों का गन्ने का पेमेंट तक का नहीं हुआ है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है कि नौजवान आत्महत्या कर रहा है, शिक्षक बेकार हैं, किसान बेकार हैं, सब तराई तराई मचा दी, देश और प्रदेश बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 2022 में इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। पूरा विपक्ष आज सड़कों पर है, धरने पर है, प्रदर्शन में है। गन्ना मंत्री सरासर झूठ बोलते हैं, कोई पेमेंट नहीं हुआ, यहाँ सब किसान बैठे हुए हैं, कोई 14 दिन में पेमेंट नहीं हुआ, जबकि संवैधानिक अधिकार है 14 दिन में विद ब्याज के, 14 दिन में अगर पेमेंट नहीं होता तो ब्याज सहित पेमेंट करेंगे। कोई गन्ने का 6,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया इन 6 मिलों पे बकाया मेरठ में, और ये बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं। क्या हुआ मेरठ में, हवाई जहाज उड़ गए, 6 साल से आश्वासन दे रहे, कूड़ा निस्तारण हो गया, कोई काम नहीं किया, कोई रोड नहीं बनाई, कोई गड्ढे नहीं भरे, और कोई इनका एक भी वायदा पूरा नहीं है। ऐसी सरकार को जनता ने तय कर लिया है, अब उखाड़ के फेंक देंगे।